गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल की क्लास लेंगे, क्लास 10th की। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इजी है, सबसे पूरे बुक में सबसे इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले मुझे बताना होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर नहीं पढ़ा है, 9th में भी इसका यूज हो जाएगा। जितनी चीजें बता रहे हैं अपने छोटे भाई को भी शेयर कर सकते हैं, जो 9th में है वो ये चीज समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है पहले सबसे बड़ी बात, तब हम पॉलिनोमियल पे आते हैं, फिर डिग्री पे आते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे आते हैं। चलिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एन एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट इज सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइन इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो रही इंग्लिश में, मैंने आपको एलेबोरेट कर दिया। अब हिंदी में बात करते हैं आपसे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के कॉम्बिनेशन से, जो कि सेपरेट होता है किसी ऑपरेशनल साइन से, प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड। ओके, जैसे कांस्टेंट तो समझते होंगे, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, फिक्स नहीं होती है। एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हो गए और 1 2 3 सो ऑन कांस्टेंट हो गए। इनके मिक्सचर से, इनके कॉम्बिनेशन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया जाता है, जो कि सेपरेट होते हैं किसी ऑपरेशनल साइन से, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां पे कांस्टेंट 1 है सबके साथ। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो कि सेपरेट है किसी ऑपरेशनल साइन से, प्लस प्लस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ में ही आ गया होगा, ए एक्स प्लस बी वाई। ए कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स वेरिएबल है, बी कांस्टेंट, वाई वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल्स में है और ये सेपरेट है प्लस साइन से। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। An algebraic expression is formed by the variable and constant is separated by the operational sign is known as algebraic expressions. Clear? अब बात करते हैं हम polynomials की, जो हमें पढ़ना है। Polynomial क्या होता है? Algebraic, an algebraic expression having power of positive integer is known as polynomials. Algebraic expression समझ में आ गया, अब उसके आगे continue करिए। Algebraic expression के पास अगर power positive integer होता है तभी वो polynomial होगा। कोई भी algebraic expression लिख दिया मैंने, 2x minus 3y, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां पे पावर 3 कर देते हैं, 2x³ - 3y। यहां पे देखिए पावर, यहां वेरिएबल पे 3 है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, यहां भी वेरिएबल पे पावर 1 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यही केस है। ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, ना ही पावर रेशनल नंबर में होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये पावर निगेटिव इंटीजर्स में भी नहीं होनी चाहिए, ना ही पावर रेशनल नंबर में होना चाहिए। ऐसे हम लिख, ये पॉलिनोमियल हुआ, लेकिन 2x पे -3 - 3y, यहां पे पावर हमें -3 मिल गया, निगेटिव मिल गया, निगेटिव इंटीजर नहीं होगा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उसको हम बोलेंगे क्या? पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहां पे हमने लिख दिया 2x पे पावर 3/2, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, ऑल पॉलिनोमियल कैन बी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कांट बी पॉलिनोमियल्स।
ये चीज समझ में आ जाएगी तो सब चीज समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छे से डिक्टेट कर रहा हूं। सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे पावर माइनस थ्री है, निगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे, लेकिन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें एक पॉलिनोमियल है, बाकी दो केवल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी सारे पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, जितनी चीजें बता रहा बेटा समझ गए अगर, उसके बाद मुझे एक्सरसाइज कराने में कुछ भी टाइम नहीं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल जो होता है, किसी पॉलिनोमियल पे हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर और हाईएस्ट पावर ऑन एनी पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। ओके, मैक्सिमम और हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात? अब देखिए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल अगर हम आपसे एक इक्वेशन दे दिए एक्स क्यू माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, यहां देखिए ये टू वेरिएबल्स है, x और y दो वेरिएबल हैं। पहले चेक करिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, और पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर सारे पे इंडिकेट कर रहा है। यहाँ प्लस थ्री है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ प्लस टू है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ प्लस वन है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। डिग्री मैंने बताया है, पॉलिनोमियल हैविंग मैक्सिमम और हाईएस्ट पावर इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है किसी पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स पे पावर थ्री, यानी हाईएस्ट पावर अगर इसका थ्री है तो लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू थ्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई बेटा? थ्री हो गई। समझ में आ गया? क्लियर? हाईएस्ट और मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल इज अ डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? ये पिछले साल भी बताया था शायद मैंने, और इस साल भी बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज करा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक होता है इन ऑर्डर ऑफ टर्म्स और दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ डिग्री। इन ऑर्डर ऑफ डिग्री, और दूसरा होगा इन ऑर्डर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग पूछ लेता है किस टाइप का पॉलिनोमियल है, कभी कभी दे देता है डिग्री के अकॉर्डिंग किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो कैसे जानेंगे? अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वन होगी, अ पॉलिनोमियल हैविंग द डिग्री वन इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री टू इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial having degree 3 is known as cubic polynomial. 4 biquadratic polynomial.
बस। और फाइव पे इतना ही पूछता है, फाइव को बोलते हैं क्विंटिक, क्विंटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री फाइव होती है तो उसको बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। वन पे अगर डिग्री वन होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, टू होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थ्री होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, फोर पे होगा क्विंटिक। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जैसे x प्लस टू लिख दिया हमने, ये लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए है, यहाँ की डिग्री क्या है, वेरिएबल x है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ x टू द पावर जीरो है, तो यहाँ पे x पे पावर मैक्सिमम पावर कितना है, वन है, तो इसकी डिग्री वन हो गई, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यही एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा तो डिग्री कितनी हो गई, टू हो गई, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी टू वैल्यू मिलेगी, इसकी वन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर एक्स क्यूब प्लस टू लिख दिए तो यहाँ पावर थ्री हो गया तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह एक्स पावर फोर हो जाएगा तो बाई क्वाड्रेटिक, फाइव हो जाएगा पावर तो क्विंटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, इन ऑर्डर ऑफ डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे कैटेगराइज करेंगे, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ टर्म्स, टर्म्स का मतलब कितने उसमें टर्म्स हैं, कितने उसमें टर्म्स हैं। जैसे अगर वन टर्म होगा, जैसे दे दिया वन टर्म एक्स एक्स क्यूब दे दिया, इसमें सिंगल टर्म दिख रहा है मेरे पास तो इसको बोलेंगे मोनोमियर। दो टर्म अगर दिख जाएगा तो बाइनोमियर। थ्री टर्म अगर दिखेगा तो ट्राइनोमियल, ओके, इस तरह से ईटीसी, ठीक है। समझ में आ गया, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, एक टर्म रहेगा तो मोनोमियल, टू रहेगा तो बाइनोमियल, थ्री रहेगा तो ट्राइनोमियल। इतना ही टर्म आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गई, ऑर्डर ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंगली उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये चीज अगर क्लियर हो गई तो हाफ वे से ज्यादा पे हम पहुंच गए। इसके बाद आता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा, एक क्वेश्चन पहले मैं पूछ लूं फिर बता। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए, सपोज दैट एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस नाइन एक्स, ये क्वेश्चन इसको डिग्री के अकॉर्डिंग बताइए किस टाइप का पॉलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स, डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, थ्री है। समझ में आगे बात, टर्म्स के अकॉर्डिंग इसमें थ्री टर्म्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। टर्म्स के अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल और डिग्री के अकॉर्डिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आते हैं डिग्री ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक रियल नंबर होता है। सपोज दैट m इज ए रियल नंबर is said to be zeros of a polynomial fx if fm is equal to zero। ऐसे लिख सकते हैं, if m is called zeros of polynomial, कोई भी polynomial fx, okay, if fm is equal to zero, कोई ऐसा नंबर जिस नंबर पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, उस नंबर को उस पॉलिनोमियल का जीरोस बोलते हैं। अभी एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। fx is equal to x plus 2, एक पॉलिनोमियल दिया है x प्लस टू, एफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस टू, इसकी डिग्री वन है तो लीनियर पॉलिनोमियल, यानी वैल्यू कितनी मिलेगी, वन। टू होता डिग्री तो टू मिलता, थ्री होता तो थ्री मिलता, लीनियर पॉलिनोमियल है, वैल्यू वन मिलेगी। x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी
जिस पर पूरा फंक्शन जीरो हो जाए। एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिस पर ये एफ एक्स पूरा जीरो हो जाएगा, वही इसका जीरोस होगा। तो इसके लिए करते क्या है, पूरे एफ एक्स को लास्ट क्लास में भी करते हैं, एफ एक्स को जीरो के इक्वल लेट कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस टू की वैल्यू जीरो के इक्वल मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ टू, यानी माइनस टू इज ए रियल नंबर एट विच एफ माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। देख लीजिए, अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लिए हैं, अब यहां पे हम एफ माइनस टू ले रहे हैं, यानी एक्स के प्लेस पे माइनस टू पुट करें तो माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। यानी माइनस टू ऐसा रियल वैल्यू मिला है जिसपे पूरा फंक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ में आ गई बात, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? तो जीरोस क्या होता है, एम इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ एफ एम इज इक्वल टू जीरो। अब पहला क्वेश्चन आता है, शुरू हो गया है आना, ग्राफ बना देता है और कहता है किस टाइप का, कितने जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। तो देखिए, ये क्वेश्चन समझने से पहले, कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है, या माइनस टू प्लस एक्स ले रहा है, ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम वाई के इक्वल भी लेट कर ले रहे हैं, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये पॉलिनोमियल है, माइनस टू प्लस एक्स, क्लियर। तो जीरोस कैसे निकलेगा, देखिए जीरोस यही होगा ना, कोई रियल नंबर एक्स होगा जिस पर ये इंडिपेंडेंट है, जिस पर ये वाई डिपेंडेंट वेरिएबल जीरो हो जाए, यही ना बोला जाता है जीरोस को, जीरोस वो नंबर होता है जिस पर हम एफ एक्स के प्लेस पे वो वैल्यू पुट करें और पूरा फंक्शन क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे टू लेने पर टू माइनस टू जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब अगर हम एट एक्स इज इक्वल टू टू ले लें तो हमें वाई की वैल्यू मिल जा रही है माइनस टू प्लस टू, यानी वाई क्या मिल जा रहा है, जीरो। तो पॉइंट क्या हो गया बेटा, टू कॉमा जीरो, एक्स की वैल्यू टू थी, वाई की वैल्यू जीरो थी, तो पॉइंट क्या हो गया, टू कॉमा जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं, जब यही देखते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, और वाई की वैल्यू आती जा रही है, ऐसा ऐसा वैल्यू पुट करेंगे एक्स का जिसपे फंक्शन जीरो हो जाए, वाई की वैल्यू जीरो हो जाए, जो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जीरो होना चाहिए। डिपेंडेंट क्या है बेटा, वाई, क्योंकि हमें जीरोस लेना है, तो इसकी वैल्यू जीरो कब आए ऐसी वैल्यू एक्स की पुट करना है, जो डिपेंडेंट होगा उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए। अगर हम प्लॉट करें टू कॉमा जीरो, वन हो गया, टू हो गया, ये हो गया टू कॉमा जीरो, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सपोज दैट बना और भी वैल्यू पुट करने पे, तो जहां पे ये कट करेगा एक्स एक्सिस को, जब डिपेंडेंट होगा वाई पे तो देखना है एक्स एक्सिस को कहां कट, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, जब डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट फंक्शन होगा एक्स का, तो वाई पे देखेंगे कहां कट हो रहा है। तो यहां पे फंक्शन हमारा डिपेंडेंट था किस पे, वाई पे, तो वाई की वैल्यू जीरो कहां कहां आ रही है यही चेक करना है, वाई की वैल्यू जीरो कहां आएगी बेटा, केवल एक्स एक्सिस पे, समझ में आ गई बात, जहां जहां पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने जीरोस यहां मिलेंगे। एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके जीरोस क्या मिलेंगे, ग्राफ दे देगा इसी तरह, एक पॉइंट पे दिखा देगा कट कर रहा है तो इसके जीरोस कितने मिले, वन। इसी तरह अगर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दे दिया और दो पॉइंट पे कट करता हुआ दिखा दिया वन एंड टू, तो इसके जीरोस कितने मिले, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो डिपेंडेंट कौन है, वाई। डिपेंडेंट फंक्शन की वैल्यू, डिपेंडेंट जो होता है उसकी वैल्यू जीरो जीरो होनी चाहिए, तो वाई जीरो कहां कहां होगा, एक्स एक्सिस पे, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने जीरोस मिले, टू। पहला एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, आप लोग लगाइएगा जो डाउट होगा, जो डिपेंडेंट वैल्यू होगी, जैसे वाई डिपेंड है एक्स पे, एक्स की वैल्यू को वेरी कराएंगे तो वाई जीरो मिलना चाहिए, तो वाई को जीरो ही लेना है, तो वाई एक्सिस को जीरो ही लेना, वाई एक्सिस जीरो एक्स पे होगा। अगर एक्स इज इक्वल टू वाई होता, एक्स इज इक्वल टू फंक्शन वाई में होता तो एक्स डिपेंडेंट हो जाता, यानी एक्स जीरो किस पे होगा बेटा, वाई एक्सिस पे, तब वाई पे देखते कहां कहां कट हो रहा है, समझ में आ गई बात। तो दो पॉइंट्स पे कट कर रहा था एक्स एक्सिस को, तो हम ले लेंगे कि ये
जिसका जीरोस टू है। इस तरह थ्री पे कट करेगा, वन टू थ्री, दैट इज थ्री जीरो, दैट इज दैट ग्राफ हैविंग थ्री जीरोस। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का लगाइएगा, जो डाउट होगा पूछेगा। डेफिनेटली मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? थैंक यू।